ये देखो भाई, ये 10 मॉडल का एमसीबी बॉक्स है, जो कि इसमें देखो एक चेंज ओवर है, एक आइसोलेटर और 6 एमसीबी। एक एमसीबी इन्वर्टर के लिए है, बाकी 5-6 एमसीबी सर्किट के लिए है। जो कि देखो आइसोलेटर के लगे जो है एक एमसीबी वो इन्वर्टर से है, बाकी 5 एमसीबी सर्किट की है, यानी बोर्ड का है, हर रूम के बोर्ड का है। और ये देखो चेंज ओवर है, जो कि जनरेटर की सप्लाई चलाने के लिए और मेन लाइन इसमें आने के लिए। तो देखो इसमें जो है ऊपर जो इसका पिन रहेगा, इसमें जो है मेन लाइन आएगी और नीचे वाले में जनरेटर सप्लाई है बीच में आ, और आइसोलेटर देखो लगा हुआ है। जब इससे सप्लाई होकर चेंजर से आएगी तो इस आइसोलेटर में आएगी, इनपुट होगी, फिर आइसोलेटर से आउटपुट हो के एमसीबी में इनपुट हो जाएगा। बाकी देखो सर्किट का कनेक्शन यही इसी एमसीबी से हो जाएगा, जो कि देखो यहाँ 25 एम्पीयर की एमसीबी सारी लगी हुई है। जो कि देखो आइसोलेटर 63 एम्पीयर का है, चेंजओवर 63 एम्पीयर का है। एक देखो एमसीबी ये वाली आइसोलेटर के लगने वाली, देखो ये इन्वर्टर से है, जो कि देखो 25 एम्पीयर की है। और इसका देखो ये पाइपलाइन है, जो कि यहीं से देखो जनरेटर की सप्लाई आती है और इन्वर्टर की सप्लाई इस एमसीबी के द्वारा देखो इस बोर्ड में सप्लाई दी गई है 6 मॉडल वाले में, जो कि इन्वर्टर के लिए है। और इन्वर्टर को चार्ज करने के लिए एक कनेक्शन है, और जो है एक मोटर के लिए है। देखो जो नंगा वायर दिख रहा है डायमंड का, देखो टॉप लगा हुआ है उसमें, वो मोटर की सप्लाई है। मोटर को चलाने के लिए 3 पिन टॉप 5 पिन सॉकेट लगी गई है, जो कि 16 एम्पीयर की। इन्वर्टर